अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब बहन भाई? उम्मीद करता हूं आप सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है हमारे देखने वाले बहन भाई जहां भी रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते और तमाम परेशानियों से दूर रहें। इसी नेक सी प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी शाम का टाइम है तो मौसम हमारा बहुत ही ठंडा मीठा बना हुआ है। हम सराकी में कहते हैं ठंडा मीठा मौसम, जो मौसम मतलब कि ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है ना, हम उस मौसम को ठंडा मीठा मौसम कहते हैं। और मौसम वो जो होता है ना वो बहुत मज़े का होता है, इंजॉयमेंट करने का होता है, क्योंकि ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, नॉर्मल मौसम होता है। तो आज फिर हमारे मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए हमने स्पेशल जो है ना बिरयानी और जो है ना रायता वगैरह बनाना है, बोतल वगैरह कुछ मीठा भी ले आएंगे। तो मेहमान अभी शाम के टाइम आएंगे तो वो भी यूट्यूबर है, उनकी नई नई शादी हुई है, निशानियां सब बता देता हूँ फिर आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो बिरयानी तैयार करते हैं, उसके बाद जो रूटीन है वो आप सब बहन भाइयों से शेयर करते हैं। तो आप सब बहन भाइयों ने आज का व्लॉग पूरा देखना है। ये देखे जी, हमारा मौसम बादल बने हुए हैं और इतनी हवा भी नहीं चल रही है। अभी मैं आ गया हूँ फैसल भाई के पास। हेलो फैसल, क्या हाल है? आज फिर बिरयानी बना रहे हैं, फैसल भी शौक से खाता है ना बिरयानी। फैसल हैप्पी तो दिलवाओ, हैप्पी फैसल, हैप्पी हैप्पी ये देखे जी, बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? तो रात अम्मी का चेकअप करवाया था, हॉस्पिटल गए थे, दांतों का चेकअप करवाया था, तो अब ठीक है अम्मी? अल्लाह का शुक्र है, गोलियां तो खा दें, दर्द जा चले, अल्लाह पाक ख्याल करेगा। देखे जी, आग जला दी हमने, उसके बाद प्याज काट के रख दिया है, टमाटर और सब्ज मिर्च धनिया और ये वाला गोश्त देखें जी हमने एक साइड पे रख दिया है। उसके बाद थूम की रगड़ाई हो गई है, तो चावल जो है ना इधर हमने भगो के रख दिए है माशाल्लाह से। तो अभी मैं आ गया हूँ दुकान पर दादाजी के पास। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है, शुक्रिया दादा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक और माह रमजान हमें नसीब हो रहा है। जी जी, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तैयारी की बैठे हैं, रखे इंशाल्लाह सारे रोजे रखेंगे इंशाल्लाह। तो पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने दादाजी मैंने और अम्मी ने सारे रोजे रखे थे, तो इस साल भी अल्लाह पाक जो है ना सेहत दे, तो इंशाल्लाह हम जो है ना सारे रोजे रखेंगे। तो दादाजी फिर आज आपने कुछ सुनाना है आज, कोई या तो क्या कहते हैं कोई पुराना गीत सुना दें या कोई कवाली सुना दें या कोई वो जो हम सराकी में कहते हैं दोहा सुना दें, कुछ तो सुना ही दें। अच्छा वो सुनावा, चलो दोहा सुना देने। चलो जी दोहा सुना दो। ओ इश्क तेरे दी सुन तार लगी अते टुट पैने यार मुनारे, ओ बिच किस्मत दे फेर पिया कोई नी ओडिठे हन तारे। अच्छा जी, ओ वाणु भी पूछो सदे यार कोलू सदा यारी सख्त बीमारे, ओ ना कुछ खा दे ना कुछ पी दे यो रोमन नाल वपारे। अच्छा जी बस ये दो बोल आपने सुनाया, चले जी अल्लाह पाक आपको सेहत दे। देखें जी सदीक भाई दुकान पर है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सदीक भाई? तो फिर जो है ना माशाल्लाह से माह रमजान आ गया है, तो फिर तैयारी है ना? इधर देखें जी गोभी आई हुई है, क्या लेना है? क्या चीज लेनी है? पापा खाने हैं बस, बच्चे इधर के जो है ना पापा निमको जो नमकीन चीजें है ना वो खाते हैं। मानो भी आ गई है, ईमान ने क्या लेना है?
क्या लेना है मान? दो सलवा निमको, सलवा निमको लेनी है। अच्छा जी, देखा ना मैं क्या कह रहा था, निमको और पापा है। ये हमारी बस्ती के जितने बच्चे भी है ना, ये सब नमकीन चीजों के शौकीन है। तो ठीक है जी, प्याज को तड़का लग रहा है, सब मसाले डाल दिए हैं, गोश्त भी डाल दिया है माशाल्लाह से। देखें आलू इमली जो है ना, वो भी पानी में भगो के रख दी है। हमारी बिल्ली को देखें भाग गई है। शायद याद आया हुआ है, क्या हाल है? ठीक बदे, क्या कह बंदा बदे, क्या खेत दी बदी है। तो अभी जी पानी को उबाले आ गए हैं, तो इनमें चावल भी डाल रहे हैं। चावलों की धुलाई कर ली है हमने, तो अम्मी अब जो है चावलों को डाले हुए है इनका पानी निकाल के। तो देखें जी माशाल्लाह से हमारी बिरयानी जो है ना तैयार हो चुकी है, और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो अभी इसको दम देंगे है ना जी। तो देखें जी हमारा रायता भी तैयार हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जवैवे भी तैयार हो चुके हैं, बस थोड़ी सी देर है के लिए मैं चावल ले आया हूँ। वैसे भाई ये खाओ, अभी मेहमान भी आ गए हैं, तो बाद में फिर और भी लेके आ देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं चीनी लेके जा रहा हूँ। देखे जी हमारा सूरज भी बस गरूब होने को है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों को खाना दे दिया है माशाल्लाह से, खा रहे हैं खाना। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों को खाना वगैरह खिलाया है, तो उसके बाद उनको घर का विज़िट करवाया है मुकम्मल, क्योंकि वो घर देखना चाहते थे, तो उनको घर भी बहुत पसंद आया है। तो कहते हैं कि माशाल्लाह बहुत प्यारा घर बना हुआ है, और रात भी हो गई है, ऐसे समझ लें कि हमने रात को मेहमानी दिया उनको। तो अब मैं इस छोटी सी वीडियो का एंड करता हूँ, इंशाल्लाह किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआओं में याद रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।